नोएडा से बड़ी खबर है, नाबालिग छात्र से स्कूल प्रबंधन ने की छेड़खानी, ये बड़ी खबर आ रही है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोरखा गांव के एक गुरुकुल में पढ़ती है छात्रा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुकुल में पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ जारी है। इस तरह की कई मामले सामने आ चुके हैं गुरुकुल से, हालांकि अब तक कई शिकायतें भी हुई है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला, नाबालिग छात्रा बताई जा रही है। नोएडा का ये पूरा मामला सेक्टर 113 का, जहाँ पर स्कूल प्रबंधन पर ये गंभीर आरोप लगा है। ब्यूरो चीफ निशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, गुरुकुल में इस तरह की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी है, हालांकि इस बीच पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब तक क्या कुछ कार्रवाई को अंजाम दिया गया, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ बयान? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि नोएडा में अब तक कई मामले इस तरीके के सामने आ चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर ये गंभीर मामले हैं। नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल प्रबंधन के द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। छेड़छाड़ के मामले में जो नाबालिग छात्रा होती है वो अपने परिजनों को बताती है, और जिसके बाद ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में जाता है। हालांकि पुलिस के मुकदमा दर्ज करती है, जिसमें सोरखा गांव में ये गोकुल चल रहा था, जिसमें जो प्रबंधन है उसकी गिरफ्तारी, एक आरोपी की गिरफ्तारी की जाती है। हालांकि इस जो गुरुकुल के अंदर जो सोरखा में गुरुकुल है, इसमें पूर्व में भी कई घटना हो चुकी हैं। एक छात्रा की इसमें मौत भी हुई थी, जिसमें डेड बॉडी मिली थी। तमाम तरीके से इस गुरुकुल पर कई आरोप लगे थे। हालांकि इस तरीके का मामला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जो है नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ हुई। निशान, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, ये जो गुरुकुल है बिना मानकों के, बिना नियमों के ताक पर चल रहे हैं। इसमें शिक्षा विभाग को भी संज्ञान में लेना चाहिए, इस तरीके के गुरुकुलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया तो इसमें आरोपी जो नाबालिग छात्रा के साथ जो छेड़छाड़ कर रहा था उसको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद जो है कार्रवाई की जा रही है। ठीक निशांत, बने रहिएगा, और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। 8वीं की छात्रा से छात्र ने किया दुष्कर्म। छात्रा ने दो सहपाठियों के साथ मिलकर इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। नाबालिग छात्रा को कार में अगवा कर जंगल में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया गया। पुलिस ने मेडिकल कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तहरीर दी गई थी कि उसकी पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष, जो कि वहाँ के एक स्कूल में पढ़ती है, साथ ही पढ़ने वाले एक अन्य छात्र जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, जो दोनों को एक दूसरे से पहले परिचित भी हैं, के द्वारा बहला फुसला करके ले जाया गया तथा उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा बाल औपचारी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों एक दूसरे से पहले परिचित हैं, दोनों नाबालिग हैं। इसमें पीड़िता के बयान हो गए हैं, मेडिकल करा लिया गया है। पीड़िता को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इसका बयान कराया जाएगा। यदि पीड़िता के बयान में कोई अन्य विपरीत बात आती है तो उन तथ्यों को भी विवेचना में समाहित करते हुए उन लोगों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित। ब्यूरो चीफ निशांत लगातार हमारे साथ बने हुए। निशांत, ग्रेटर नोएडा से एक और मामला सामने आया, 8वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म। पूरा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? 2 ग्रेटर नोएडा इलाके का मामला है, जहां 8वीं कक्षा की जो छात्रा है उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आता है। आरोप यह है कि कार में बैठाकर एक 11वीं क्लास की छात्रा और उसके दो सहपाठियों ने उसको जबरन कार में बैठाकर पहले उसका अपहरण किया गया और उसके बाद वहां अगवा करने के बाद में उसके साथ दुष्कर्म किया, किसी जंगल खेत में ले जाकर गाड़ी के अंदर इसके बाद बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इसमें जो है पूरे मामले में मुकदमा पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया है, पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन जिस तरीके से ये दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे मामले जो आ रहे हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं बीटा 2 इलाके की पूरी घटना है, बीटा 2 पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है। अब सवाल यही है कि कब आरोपी गिरफ्तार होंगे।
ठीक निशांत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आठवीं की छात्रा से छात्र ने दुष्कर्म किया, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से तफ्तीश जारी है।